एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ साझा सुर्खियों पर। दादा, हमारा नाम सुभाष यादव। कैसे, क्या घटना हुई है आपके गांव में? हमारे गांव में एक पूरन सिंह का लड़का दलीप सिंह, जिसकी उम्र हमें खास मालूम नहीं है, करीब 25-22 साल के बीच में होगी। ये अपने इनके बाबा रामचंद्र के नाम कनेक्शन है। यह वहाँ स्टार्टर में धान में पानी चलाने गया था, तो वहाँ इसने कुछ स्टार्टर में कमी आई तो इसने खोल के देखा, खोला कूंदी करता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक उनकी बहन, छोटी सी जिसको नाबालिग समझो, वहाँ पहुँच गई। उसने आकर के गांव में हल्ला मचाया तो दलीप भाई खत्म हो गया, तो सब गांव वाले दौड़ पड़े। दौड़ने के बाद उसे घर ले आए, घर ले जा करके फिर हम सेंपई ले गए। सेंपई उसकी मृत्यु हो गई, उसको फिर वापस घर ले। प्रधान जी, क्या पूरा मामला है आपके गांव में, क्या घटना हुई है? गांव में ये समर पर बिजली पे गया लड़का, लड़का ये वहाँ पे खुला मुड़ी कर दिया, क्या खत्म हो गया वहाँ। अच्छा, तो जिसकी उम्र लगभग कितनी होगी और क्या नाम था? उम्र 25 साल है। दिलीप। क्या नाम था? दिलीप। दिलीप का कौन सा गाँव है? मेरी। आज हम दो बहन भाई, हम अपने भैया के लिए समझ से खाना रोटी नहीं गए थे। वहाँ पे देखा तो मेरे भाई पैर नीचे पड़े थे ज़मीन पे, तो हमने आके गाय को कहा, मम्मी से कहा, तो मम्मी पापा सब लोग माँ पे जाए उनसे गए, माँ से सीधे गाय को ले आए भैया को। उसके बाद उन्हें कहाँ ले गए? उसके बाद फिर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दी। मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, क्या नाम था भाई का? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार।